हेलो गाइस, हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड देख रहे हैं पार्ट थर्ड या फिर पार्ट फोर देख रहे हैं क्लास एट साइंस का कम्बशन एंड फ्लेम का चैप्टर सिक्स का। आज हम सीधे शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.5 से। 6.5 से हम शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर देख लेते हैं। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पहले के पार्ट्स देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो ठीक है, 6.5 एक्टिविटी में हमारा क्या कर रहा है, आपको एक कैंडल जलाना है, लाइटर कैंडल। और देखो, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, अपने टीचर्स के साथ में आप करो, बहुत केयरफुल होकर के करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको 4 से 5 सेंटीमीटर एक लॉन्ग जो है थिन पतला ग्लास ट्यूब लेना है आपको, और उसको आपको हाथ से नहीं पकड़ना है, किसी टोंग से पकड़ना है, चिमटे से पकड़ना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद अभी मैं आपको कैंडल का पार्ट दिखा दूंगी, कहाँ पे जो है डार्क जोन होता है, कहाँ पे नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, उस जो कैंडल है हमारा, उस कैंडल को हम क्या करेंगे, मतलब जो हम लिए रहेंगे 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब जो हम लिए रहेंगे, उससे क्या करेंगे, एक उसका दोनों तरफ से वो खुला होगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम कैंडल जलती रहेगी तो उसके हम एक पार्ट को कैंडल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक जलती हुई मैचस्टिक्स लेंगे, बिंग अ लाइटेड मैचस्टिक्स नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। दूसरी साइड हम जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे, उसके दूसरी तरफ में आप क्या देखेंगे, दूसरी तरफ भी आप फ्लेम देखेंगे। फ्लेम पकड़ लिया, ऐसा क्यों हुआ, एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। अभी हम आगे बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। वॉट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, आप पहले नोटिस करेंगे कि क्या वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हुआ। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स जो होता है वहाँ पे मेल्ट्स क्विकली। अभी हम देखेंगे कैंडल जो होता है, देखो ये वैक्स से बना होता है, ये क्या हुआ, मेल्ट हो गया ना। ये देखो कैंडल इस तरफ से जलाया गया, ये मेल्ट होकर के देखो यहाँ पे बर्निंग बर्निंग मैस्टिक्स लाया गया, यहाँ पे कैसे इस तरह हो गया। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे वो वेपोराइज होकर के, इसका सब्सटेंस जो है वेपोराइज होकर के कैसे इस तरफ आया, इस वजह से इस तरफ भी जलने लगा। अभी हम इसको देखेंगे। तो आगे देखेंगे द सब्सटेंसेस वाइल वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। जो सब्सटेंस होते हैं, जो कोई भी हो हमारा, चाहे कैम्फोर हो गया यानी कि कपूर हो गया, चाहे हमारा कैंडल हो गया, ये जलते टाइम क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फ्लेम देते हैं। अभी हमने पीछे एक्टिविटी किया था ना कि कौन फ्लेम देता है कौन नहीं फ्लेम देता है, जिसमें हमारा चारकोल था, केरोसिन स्टोव था, कैम्फोर था, मैग्नीशियम था, कैंडल था, ये सारा हम देख रहे थे कौन सा फ्लेम बना रहा है कौन सा नहीं फ्लेम बना रहा है, जिसमें हमारा चारकोल नहीं बना रहा था। तो अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारे क्या है, जैसे हमारे केरोसिन ऑयल हो गए और मोल्टन वैक्स हो गए, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था कि ये सब जलते टाइम जो है वेपराइज होकर के निकलते हैं और ये फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब चारकोल देखो, देखो वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि ऑन द अदर हैंड जो चारकोल था डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। इस वजह से चारकोल जो था वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। एक्टिविटी 6.5 में हमने देखा, कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी अ कॉज ऑफ अ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो है वो जो वैक्स था वो वेपराइज होकर के जो दूसरी तरफ से निकल रहा था, इस वजह से वहाँ पे फ्लेम जो है प्रोड्यूस हुआ। तो अभी हम आगे इसको क्लियर कर लेते हैं। आगे देखो ये क्या, यहाँ पे 6.11 में हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब क्या करना है आपको, किसी चीज़ से इसको पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है नहीं तो आप जल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, 10 सेकंड तक होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स अबाउट 10 सेकंड। 10 सेकंड तक आपको इसको ऐसे ही रखना है इस चीज़ को। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हटा लेंगे। अब फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक सर्कुलर जो है, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज राउंडेड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। ये जो आप स्लाइड यहाँ पे, ये जो देखो आप यहाँ पे जो स्लाइड आपने टोंग से पकड़ करके कैंडल से ऐसे किया था, जब आप उसको हटा रहे हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे देखो एक ब्लैकिश सर्कुलर वो बन गया है। ये क्यों, किस वजह से बना है, अभी हम आगे इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो हमारे ल्यूमिनस जोन यानी ऊपर का पार्ट का जो हमारा ल्यूमिनस जोन था, जो हमारे अनबर्न कार्बन थे, जो नहीं जला कार्बन, वो वहाँ पे क्या हुए, वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, वहाँ पे उसकी डिपोजिशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद लेंगे होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द लॉन्ग नॉन ल्यूमिनस जोन
उसके बाद क्या करना है उसको हमें लगभग 30 सेकंड तक लेना है 6.12 में। देखो ये कॉपर का एक क्या लिए हैं, कॉपर का वायर लिए हैं, मतलब एक पतला सा कॉपर का लंबा वायर लिए हैं। उसके बाद उसको 30 सेकंड तक जो ये नॉन ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे उसको रखे रहते हैं। उसके बाद क्या होगा, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। ये यहाँ पे देखो रेड हॉट हो जा रहा है, मतलब लाल हो जा रहा है। ये ऐसा क्यों, किस वजह से हो रहा है, डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़, अभी हम एक चीज़ आपको एग्जांपल एक दिखाया जाएगा आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, हैज़ हाई टेम्परेचर, इन फैक्ट द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये सबसे नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है ये क्या हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसको करके आपको पता चला कि नहीं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे सुनार हमारे जो होते हैं वो सोने को कैसे, मतलब नॉन ल्यूमिनस सबसे हॉट पार्ट पे जा करके कैसे उसको मेल्ट करते हैं, अभी हम देखेंगे आगे। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको मैंने मुझे पहले ही करा देना था लेकिन मैं अभी करवा रही हूँ इसको। तो अब ये फिगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखो इसमें पार्ट वाइज है, पार्ट वाइज यानी कि देखो पहले हॉटेस्ट पार्ट है, फिर मॉडरेट हॉट है, फिर लीस्ट हॉट है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मिडिल में रहेगा, उसके बाद सबसे कम जो है हॉट देखो नीचे रहेगा। तो अब देखो इसको हम सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस, और ये मिडिल वाले पार्ट को हम नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं, ठीक है, इस पार्ट को नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं। अब ये देखो ये तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं थोड़े से किनारे किनारे ये जो ब्लू 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 सा है कम्बशन पार्ट, ये है आउटर जोन कंप्लीट, और ये हमारा मिडिल जोन ऑफ द, ये येलो है हमारा मिडिल जोन, और ये ऊपर देखो ब्लू है, और बीच में हमारा क्या है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स वेपराइज ब्लैक, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये आप अच्छे से फिगर को देख लो कि डिफरेंट डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये आपको देख लेना है, इस फिगर को आप अच्छे से देख लो। अब आगे हम चलते हैं, अब हम देखेंगे कि जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि जब आप डेली लाइफ से कोई किसी भी चीज़ को रिलेट करते हो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना कि कौन सा ज़्यादा हॉट पार्ट है, कौन सा कम है, और ये कम्प्लीट बाहर वाले को मतलब ये ब्लू होता है, बीच में हमारा येलो होता है, मिडिल जोन होता है हमारे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जोन से फ्लेम को, ठीक है अभी हम देखेंगे, गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर, व्हाई डू दे यूज़ अ आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अब देखो ये यहाँ से मेल्ट करते हैं इस पाइप के थ्रू, ठीक है, ये इनका क्या होता है, मेटल होता है, कोई सा भी मेटल होता है, ये पाइप ऐसा नहीं कि किसी प्लास्टिक का ले लिए तो वो चिपक जाएगा इनके मुंह में, ये कोई मेटल होता है, मेटल पाइप से ये क्या करते हैं, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और गोल्ड और उसको गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं। मेल्ट क्यों किया जाता है, मेल्ट करके ही हम अपना उसका बनाते हैं ज्वेलरी वगैरह, ये बनाते हैं ये लोग गोल्ड स्मिथ लोग। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम आगे यहाँ पर देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आई थिंक नीचे रह गया, ठीक है अभी हम टाइप्स ऑफ फ्यूल भी देखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, अब देखो व्हाट इज़ फ्यूल होता है हमारा, क्या फ्यूल हमारा क्या होता है, रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ठीक है। हमारा चाहे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री में यानी कि कोई फैक्ट्री चलाना हो, या फिर कोई भी चीज़ हो जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत लगे, ठीक है। अब घर में भी कितना लगता है, हम खाना बनाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, मेनली हमारे फ्यूल क्या होते हैं वहाँ पे, वुड होते हैं, चारकोल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, केरोसिन होते हैं, LPG होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स, इन्हें हम फ्यूल कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो और सस्ता भी हो, इट इज़ चीप। अ गुड फ्यूल इज़ वन ऑफ विच इज़ रेडली अवेलेबल, इट इज़ चीप। ऐसा हो कि आराम से आसानी से अवेलेबल हो, ऐसा भी ना हो कि बहुत महंगा हो, सस्ता हो, ठीक है। इट बर्न्स ईजली इन द एयर एट द मॉडरेट रेट, और ये आसानी से जल भी जाए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हीट को अच्छे से प्रोड्यूस करे तभी तो इंसान उसको लेगा, फिर क्यों लेगा। अभी हम आगे देखेंगे कैसे कि डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल जो होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मतलब कोई ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कोई कम हीट प्रोड्यूस करता है, ये भी हम आगे देखेंगे।
इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। और ऐसा भी होना चाहिए कि वो जो है कोई भी पॉइजनस गैस ज़्यादा ना रिलीज़ करे। अब जितने भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली सारे रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो अपने मतलब उसको यूज़ करने के बाद कोई सभी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज ना वो रिलीज़ करे, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइजनस गैस ना रिलीज़ करे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हम आगे देखेंगे कैसे क्या। देयर इज़ प्रॉबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है कि मतलब हम इतनी मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई भी अभी भी कोई आइडल फ्यूल नहीं है जो कि जिसे हम मान सकें, जिसे हम कंसिडर कर सकें अपना आइडल फ्यूल, जिसमें ये सारी क्वालिटी हो कि कोई पॉइजनस गैस ना रिलीज़ करे और सस्ता भी हो और मतलब हमारे लिए यूज़फुल हो, ठीक है। ये सारी क्वालिटी जिसमें हो, वैसा कोई आइडल फ्यूल अभी हमारे पास नहीं है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स, जो हमारे डिज़ायर को फुलफिल करे, फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हम देखेंगे कि जो हमारे सारे रिक्वायरमेंट को पूरी करे। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। अब कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो महंगे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सस्ते होते हैं। देखो बहुत लोग वुड जो है जंगल से, बहुत गरीब लोग जंगल से उसको उठा कर लाते हैं, तो उनके लिए एकदम ही चीप है। तो कुछ जो है फ्यूल जो होते हैं हमारे महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, जो कि आप जानते हो, और उनको ऐसे भी ग्रुप करो कि आप कौन सा उसमें सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ये सारी चीज़ें भी करो। आप 6.3 में अभी देखेंगे, उसके बाद हम फ्यूल एफिशिएंसी देख लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं 6.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में हमारे क्या हैं, सॉलिड हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में हमारे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस में हमारे क्या क्या हैं, अब जैसे एक एक एग्जांपल आपको दिया है, कोल है, चारकोल दिया है, नेचुरल गैस दिया है। अगर आप इसको खुद से करेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। अब देखो सॉलिड में हमारे क्या क्या आएंगे, वुड आएंगे भैया, वुड हमारा सॉलिड होता है पता ही है। उसके बाद हमारे क्या आएंगे, वुड के बाद हमारे क्या आ जाएंगे, चारकोल आ जाएंगे। और इसमें लिक्विड में हमारा क्या आएगा, लिक्विड में आ जाएगा हमारा, लिक्विड में एक दिया हुआ है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के बाद हमारा पेट्रोल, डीजल, ये सारे हमारे क्या आएंगे, इसमें आ जाएंगे, किस में आएंगे हमारे, केरोसिन ऑयल मतलब लिक्विड में आएंगे। और हमारे थर्ड हमारा आ गया गैसियस फ्यूल में, गैसियस फ्यूल में हमारे जैसे नेचुरल गैस आ गए, और इसमें हमारे एलपीजी आ गए, ठीक है, एलपीजी आ गए, सीएनजी आ गए, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब एलपीजी का वो आप मत कर दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला मत कर दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आगे चल करके आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उससे शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी लिखो, लिखने को बोलो तो बच्चे जो हैं लिबरलाइजेशन लिख देते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे। अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या है हमारा, ये भी हम देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में मतलब थोड़े स्टार्टिंग में आपको बता भी दिया था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी देती है, हीट का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है हर फ्यूल का। सपोज़ यू वर आस्क्ड टू बॉइल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। अब आपको कुछ सपोज़ आपको 1 लीटर पानी दे दिया गया, उसको आपको बॉईल करना है, और आपको काउडंग दे दिया गया, यानी कि जो गांव में जिससे उपली बनाते हैं, और आपको कोल दे दिया गया, और आपको एलपीजी दे दिया गया, यानी कि गैस दे दिया गया। तो आप जो है किस पे, अब देखेंगे किस चीज़ पे कौन सा फ्यूल यूज़ करके जल्दी से वो 1 लीटर पानी हमारा बॉयल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम मेज़र करेंगे, विच फ्यूल वुड यू प्रिफर, आप कौन सा चाहेंगे, कोल चाहेंगे कि आपको धुआं लगता रहे, काउडंग चाहेंगे उसमें भी आपको आपके आँखों कितना ज़्यादा नुकसान होता है। पहले के टाइम में लोग बहुत यूज़ करते थे, हालांकि जब से मोदी सरकार आई है तब से कितने घर में देखो फ्री में एलपीजी कनेक्शन देते हैं, देते हैं क्या। तो अब तो लोग बहुत बच गए, पहले के लोग कहते थे कि लकड़ी पे खाना बनाओ तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे साइंस पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बताओ, आप अपने आसपास नेबर में बताओ, अगर किसी के यहाँ पे एक लकड़ी जल रही है, काउडंग जल रहा है, और उनके यहाँ पे भी गैस भी है, तो उनका जो ये मिथ होता है कि नहीं वो ज़्यादा हेल्दी होता है लकड़ी से बनाकर खाने में, तो वो बुरा होता है उनको, मतलब यानी कि अवेयरनेस नहीं है। आप पढ़ रहे हो, अवेयरनेस को फैलाओ। अब देखेंगे इसमें आप कौन सा फ्यूल जो है प्रेफर करेंगे, गिव योर रीज़न, आप अपना रीज़न भी दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने दो तरह की बातें की हैं, यानी कि दो बातें आपको समझनी है। अब आपको रीज़न देना है कि आप कौन सा गैस मतलब कौन सा फ्यूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो अगर हम वैसे देखें कि काउडंग अगर आपको यानी कि आसानी से मिल जा रहा है, कोल आपको आसानी से मिल जा रहा है, देख लीजिए हम कोल जो है और एलपीजी जो है ये हमारे पास लिमिटेड है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको किस
किस एंगल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके हेल्थ के लिए। देखो वैसे तो अभी हमने बताया आगे कि हमारे पास कोई सा भी आइडल फ्यूल नहीं है, लेकिन अगर हमें यूज़ करना हो तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि आप अगर यूज़ करोगे आप इनमें से कौन सा प्रेफर करोगे और अपना रीज़न भी दो। अब अगर आपको ये पता है कि हमारे पास कोई चीज़ें लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए हेल्दी हो नॉन हेल्दी हो कैसे भी हो हम उसको तो यूज़ करेंगे नहीं। तो आगे हम देखेंगे अब ये आगे पूछना क्या चाह रहा है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूसेस, अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ हीट। आप जब इसको तीनों में से जो यूज़ करेंगे फ्यूल को क्या तीनों सेम अमाउंट में हीट दे रहे हैं ये भी आपको बताना है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अब देखो जो 1 kg हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं यही क्या कही जाती है, यही कही जाती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो इस पैरा में अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं, इस पैरा में अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं, एक मिनट, इस पैरा में अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं तो मैं आपको देखो मैं फिर बता दे रही हूँ आपको। मैंने बताया कि पहले के टाइम में लोग कैसे, मतलब उनका मीत होता था कि नहीं इस पे बनाने में खाने में लकड़ी पे बना के खाने में ज़्यादा हेल्दी होता, तो मैं उस मीत को दूर करने के लिए कह रही थी। लेकिन अभी आपको इन तीनों में से चूज़ करना पड़े कि आपको क्या। अब देखो कोल LPG हमारे पास लिमिटेड है, काउडंग हमारे पास अनलिमिटेड है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और जो हम अपना यूज़ करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कम्प्लीट, अगर 1 kg हम बर्न कर रहे हैं कोई सा भी फ्यूल, भाई इसकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट, एक यूनिट में उसको प्रेजेंट किया जाता है। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड किलो जूल पर केजी, केजी पर केजी, ठीक है, के जे है उसके बाद पर केजी है, किलो जूल पर केजी। कैलोरी देखो कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल होते हैं हमारे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, केजे पर केजी। अब इसको देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स का ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो अगर हम 1 kg काउडंग यूज़ करेंगे तो हमें कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा, 6000 to 8000। ऐसे हम 1 kg वुड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 17000 to 22000। कोल करेंगे तो क्या, ये देखो बढ़ता चला जा रहा है, कोल करेंगे तो हमारा कितना, 25000 से 33000। पेट्रोल करेंगे हमारा लगभग 45000। केरोसिन अगर 1 kg हम बर्न करेंगे, 1 kg फ्यूल यूज़ करेंगे केरोसिन का, तो हमारा वो भी 45000। ये आप देख लेना 50-50 हमारा मेथेन और CNG में है। CNG यानी कि आपने बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है फुल फॉर्म। और हमारा LPG जो है देखो 55 kg जो कि हम यूज़ करते हैं, और बायोगैस का भी देखो बहुत ज़्यादा है, बायोगैस का हमारा कितना है 35 से 40, और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा है, आई थिंक हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब ये आप देख लेना वैल्यू। अब उसके बाद हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हम ये फ्यूल को बर्न करते हैं वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स, हार्मफुल सब्सटेंस को छोड़ कर जाते हैं, और कितना ज़्यादा नुकसान भी होता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इंसान यूज़ करता है, नहीं यूज़ करेगा तो क्या करेगा, ठीक है। पहले की तरह हम तो रह नहीं सकते, कच्चे फल खा करके पेड़ों पे रह सकते हैं हम लोग, ऐसा तो अब रह नहीं सकते हैं। तो अब देखेंगे द इंक्रीजिंग फ्यूल कम्बशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। पहली बात, जो हम अपना कोई सा भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं और उसको डे बाय डे हम ज़्यादा ही यूज़ करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में अपना हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। अब इसमें हम अपना पहला क्या करेंगे, पहला क्या देखेंगे, कार्बन जो होता है फ्यूल से निकलते हैं, जो हमारे कार्बन निकलते हैं फ्यूल से, लाइक हमारा जैसे वुड जलाएंगे तो भी निकलता है, कोल से पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन। अभी हमने देखा था ना कि वो कांच का प्लेट लगा करके अनबर्न कार्बन को कैसे वो छोड़ दिया है, ब्लैकिश सर्कल बन गया था। एक चीज़ ये हम देख लेंगे, ये जो ब्रैकेट में है ये भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या है इसमें, इसमें क्या कह रहा है कि फॉर सेंचुरीज, अभी जो हमने बात पहले कही है वही कहा गया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो हमारा वुड था, लकड़ी था, वही हमारे हर जगह पे, इंडस्ट्री में भी, घर पे भी, हर ओकेज़न पे भी यही यूज़ होता था। पहले के टाइम में आप देखो कोई फंक्शन पड़ता था तो लोग खाना भी जो है वुड पे बनाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब लोग जो है उसको रिप्लेस कर दिए हैं कोल से, बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG, उसको LPG, कोल, इन सब चीज़ों से रिप्लेस कर दिए हैं। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारे रूरल पार्ट्स हैं हमारी कंट्री में, पीपल स्टिल यूज़ वुड एज फ्यूल, वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाया है बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी,
एंड लो कॉस्ट। अभी जैसे कि मैंने बताया वो जंगल में गए, बाग में गए, अपने लकड़ी को लेकर आ गए और खाना बनाने लगे, तो उनको मतलब आसानी से मिल भी गया और कोई कॉस्ट भी नहीं लगा, तो इस वजह से वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो होता है बर्निंग ऑफ वुड्स गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, वो बहुत ज़्यादा धुआं देता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहले की औरतें जो बनाती थी खाना, उनकी आँखों में मतलब वो अक्सर ही उनकी आँखें जो होती है डैमेज होती थी। इट कॉजेज, और इससे जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में दिक्कत और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इससे। देखो ट्रीज़ जो होते हैं हमारे, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद यूज़फुल सब्सटेंसेस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। अब जब हम जो हमारा पेड़ है वो हमें कितनी सारी चीज़ें देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, मतलब कितनी सारी, छांव भी देता है गर्मी के टाइम पे, कितनी सारी चीज़ें देता है। लेकिन अब जब फ्यूल जो है लकड़ी को हम एज अ फ्यूल ही यूज़ करेंगे, कुछ पेड़ होते हैं सूख कर अपने आप गिरते हैं, तो चलो ठीक है आप उसको फ्यूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एज अ मतलब ओनली फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओनली वुड ही यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, तो क्या करेंगे आप, पेड़ की कटिंग करेंगे, पेड़ बहुत ज़्यादा कटेगा, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल। हमें डिफॉरेस्टेशन पर जोर नहीं देना है, हमें एफॉरेस्टेशन पर जोर देना है, ठीक है, हमें एफॉरेस्टेशन पर जोर देना है, यानी कि हमें पौधे लगाना है, हर कोई सभी स्पेशल ओकेज़न हो उस पर हमें पौधे लगाने ही लगाने हैं, एक दो पौधे। ये इसके बारे में आपने डिटेल में क्लास 7 में पढ़ा है, तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या नुकसान होता है। अब देखो ये हम यहाँ पे थे कि जो ये अनबर्न कार्बन होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेज सच एज अस्थमा। अभी मैंने यही देखो उस ब्रैकेट में भी यही बात थी, वो जो इम्पोर्टेंट था कि ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, देखो ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीज़ें पढ़ो ही, और ये आपके फ्यूचर में मतलब हमेशा ही ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बात है, और आपकी अवेयरनेस जितना लोगों तक आप पहुँचाओगे उतना ही अच्छा है, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी किया करिए आप लोग। अब देखो ये जो हमने अभी बात किया कि जो वो अनबर्न कार्बन होते हैं उससे हमारे रेस्पिरेटरी डिसीजेज होते हैं, जैसे कि अस्थमा, अस्थमा बहुत ही बुरा डिसीज़ है, ठीक है। और सेकंड अब हम देखेंगे क्या है कि इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब जो होता है ये जो आधे जले होते हैं ना, इनकम्प्लीट जो होते हैं, ये इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ये एक ही बहुत डेंजरस गैस रिलीज़ करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे पिछली क्लास में। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, जहरीली गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, और ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है अगर इसको हम क्लोज रूम में, बंद कमरे में अगर जलाएं। अभी हम देखेंगे ये क्या इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि बंद कमरे में हमें ऐसे कोयला जलाकर सोना कभी नहीं चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूसर्स कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम, इन दैट रूम। अगर आप कभी भी कमरा बंद करके जला रहे हैं ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ये इतना ज़्यादा पॉइजनस होती है कि इंसान मर भी सकता है, ठीक है, इससे यानी कि इंसान का दम घुटने लगता है। तो ये बूझो क्या कह रहा है, ओ सो दैट्स वाई वी आर एडवाइज्ड कि हमें कभी भी नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद अ बर्निंग, और देखो कभी भी यही कह रहा है कि अब हमें समझ में आया कि कभी भी हमें जलते हुए कोयले के साथ कभी भी रूम में हमें नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब हम थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या कहा गया है, कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। ये तो हमने देख ही लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं मैक्सिमम फ्यूल्स हमारे, ठीक है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव टू कॉज, आप देखो ये एक और रीज़न है, हमारा अस्थमा तो अभी हो ही रहा था, लोगों को रेस्पिरेटरी डिसीज हो ही थी, अब इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी बढ़ती है, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो गैस होते हैं उससे रिलीज होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे हमारे फ्यूल होते हैं सॉरी उससे हमारे रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग हमारी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, पहले हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज ऑफ अ टेम्परेचर, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर ऑन द अर्थ, ऑफ द अर्थ, अर्थ पे जो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है डे बाई डे ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इसका असर है। अब ये रिजल्ट क्या करेगा, द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन इन द अर्थ ऑफ द पोलर ग्लेशियर। अब इसकी क्या होता है, ग्लेशियर जो हमारे होते हैं ना वो मेल्ट होते चले जाते हैं, विच लीड्स टू द राइज इन द सी लेवल। अब जब ग्लेशियर हमारे मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सी लेवल होंगे, हमारे सी में जो पानी होंगे वो बढ़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा,
जैसे हमारा बाढ़ आएगा, अब कोस्टल एरिया को जो है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जैसे हमारा देखो कोस्टल एरिया में, हमारे इंडिया में कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा देखो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किसका है, गुजरात का है, और बाकी ये कॉर्नर पे जितने हैं केरला है, गुजरात है, ये सारे हमारे कोस्टल लाइन में आते हैं इधर ओडिशा तक। तो मैप भी आप देखा करिए, इससे क्या होगा, इससे लो लाइंग कोस्टल एरिया एरिया जो होते हैं मे बी परमानेंटली सब अब वो सबमर्ज हो जाएंगे किसमें, अंडर वाटर। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा सी लेवल तो क्या होंगे, वो पानी के अंदर ही चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा इंसानों का भी और हर चीज़ का नुकसान होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में क्या कहा गया है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अभी देखो अभी पॉइजनस गैस मोनोऑक्साइड निकाल रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, अब यही बचा था सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन पैदा करती हैं, ये गैस जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। सफोकेशन यानी कि आपका दम घुटने लगेगा। और तो और पेट्रोल इंजन जो होता है, पेट्रोल इंजन जो होता है गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब जो होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो डिजॉल्व होते हैं इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। इसके बारे में आप बहुत बार सुने होंगे कि जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर होते हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजियम नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे, ये जब मिल जाते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। और इस एसिड को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, इसको सुन करके आपको ताजमहल की याद आ रही होगी। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए एसिड रेन बहुत ही घातक होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। इससे हमारे देखो जो भी हमारे संगमरमर के बने होते हैं बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, यानी कि ताजमहल ले लो, उस पर जो है येलो कलर का स्पॉट आने लगता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7। ठीक है, आगे हम देखते हैं, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई CNG। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारे डीजल और पेट्रोल हैं वो अब किससे रिप्लेस किए जा रहे हैं, CNG के, मतलब CNG के द्वारा। बिकॉज CNG जो होता है ना वो इन लोग के कंपैरिजन में लेस हार्मफुल होता है। CNG प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कम में प्रोड्यूस करता है CNG, और जो होता है इसको हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। अब जहाँ पे अंधों में काना राजा, जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे CNG ही मतलब थोड़ा तो राहत दे रहा है। अब हम देखेंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वॉट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। तो हम जल्दी से देख लेते हैं फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो हमने देखा जो सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर आर कॉल कम्बशन। हमने क्या देखा, जो हमारे ऑक्सीजन मेन चीज़ होता है, कहीं पे भी आग लगे यानी कि ऑक्सीजन है, तो जो सब्सटेंस होता है जो एयर में जल जाए उसे हम कम्बशन कहते हैं, कम्बस्टिबल। ठीक है, कम्बस्टिबल कहते हैं। अब ऑक्सीजन जो होता है वो नेसेसरी होता है कम्बशन के लिए, अभी हमने बात किया। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। अब देखो कहीं से कहीं पे भी आग जल रही है कहीं पे भी, तो वहाँ पे हीट और लाइट तो निकलना स्वाभाविक बात है, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ का अलग अलग होता है, और इग्निशन टेम्परेचर जो होता है इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर पर आकर के ही आग लगती है, ये भी हमने देखा था। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। अभी हमने बात किया था कि कोई चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हमने बात किया था कि रूम टेम्परेचर वो अपने आप जल जाती है, इसलिए उसको हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, आप मुझे बताइएगा याद करके। उसके बाद हमने देखा था कि फायर जो है कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 3 चीज़ इंपॉर्टेंट देखी थी। अब अगर हमें आग को बुझाना है तो एक चीज़ उसमें से हटानी ही पड़ेगी, ये आप बताइएगा मुझे क्या हटाना पड़ेगा। तो फ्यूल को तो हम हटा नहीं सकते हैं उसमें से। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, वाटर जो होता है, वाटर इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर्स, ये भी देखा था हमने। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल चीज़ों में लगता है तो वाटर वहाँ पे काम नहीं करता है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे थे। और वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग, अभी यही बात हमने कह दी कि वाटर जो है नहीं इन्वॉल्व होगा जहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में और ऑयल्स में हमारे आग लगे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बशन सच एज रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन एंड एक्सप्लोजन, ये भी हमने देख लिया था। अगला हमने क्या देखा था पॉइंट, कि दे आर 3 डिफरेंट जोन होते हैं हमारे फ्लेम में, वो हमने कैंडल में देखा था ना कि डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, ये भी हमने देखा था अच्छे से। और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एन आइडल फ्यूल इज चीप
और हमारी आसानी से अवेलेबल हो जाए एंड आसानी से हमारे जल जाए और इजी से हमारे इजी टू ट्रांसपोर्ट हों, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। इट इज़ हाई, अब हमने क्या देखा था कि इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू को हमने डिटेल में देखा था कि 1 kg बर्न करने पे फ्यूल को हमें कितना कैलोरीफिक वैल्यू, कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसका लो होता है किसका हाई होता है। और हमने क्या देखा था कि इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेसिडुएस दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ठीक, अगला हमने क्या देखा था, फ्यूल जो होते हैं डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल जो होते हैं हमारे फ्यूल एफिशिएंसी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर केजी। ये भी हमने देखा था कि कैसे हम मेज़र करते हैं किलो जूल पर केजी में। और जो हमारे अनबर्न कार्बन होते हैं पार्टिकल्स इन द एयर आर डेंजरस होते हैं, वो हमने देखा था कितने सारे गैसेस रिलीज़ करते हैं। और ये जो हमारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये हमारा कौन सा डिसीज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। और हमारे जो इनकम्प्लीट कम्बशन होते हैं ऑफ ए फ्यूल वो हमारे क्या देते हैं, पॉइजनस गैस हमारा रिलीज़ करते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हमें वो याद आ जाएगा कि हमें बंद कमरे में कोयले के साथ या फिर आग जलाकर हमें नहीं सोना चाहिए। और इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इससे हमारा क्या बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, हमने ये देखा। और नेक्स्ट हमने क्या देखा था, एसिड रेन के बारे में देखा था, ऑक्साइड्स एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कोल डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन, जिससे हमारी बिल्डिंग्स क्रॉप्स और सॉइल्स इन सबको हार्म पहुँच रहा था। तो गाइज आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं चैप्टर 6। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद रहा होगा। ठीक है, अगर पसंद रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।